भाई अभी चेहरा हाथ वगैरह बहुत ही जल रहा है। सबसे ज़्यादा तो चेहरा जल रहा है कहीं यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो बहुत ही चेहरा जल रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह फिलहाल बाबा जी अभी पूजा करते हुए हैं, नया दिन है ना, सो इसलिए भगवान जी को नारियल चढ़ा जा रहा है। एक्चुअली आज सुबह हुआ यू, जब सुबह के 4:40 बज रहे थे एंड मैं बाहर गया था, जस्ट नींद खुल गई थी एंड बाहर गया था एंड देखे तो भाई बहुत ही खतरनाक सी ठंड लग रही थी यार। मैंने सोचा फिर अपना सरप्राइज प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या सोचा था, मस्त बर्फ़ वाला पानी डालेंगे। जैसे बोलते रोज सुबह कोई भी भले कोई भी इंसान रहे तो रोज सुबह उठते क्या करता है, पहले उठते ही वॉशरूम की तरफ भागता है, जो भी अपना फ्रेश वगैरह करने रहता है, ब्रश करना रहता है, वही करता है ना। तो मैंने सोचा दीदी भी उठेगी एंड क्योंकि हमारा बाथरूम बाहर है घर से, तो दीदी जैसे ही बाहर आएगी तो सुबह सुबह नींद में दीदी के ऊपर मस्त बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालेंगे। इसलिए मैंने मस्त वाटर बॉटल भी अंदर डाल दी थी, क्योंकि भाई अभी बर्फ़ भरने को आगे एकदम बहुत ही ठंडा हो चुका है। कल रात को रख दिया था मैंने एंड बर्फ़ भी रखा था। तो ये तो ऑलरेडी आइस क्यूब्स तो बन चुके हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे भाई, आइस क्यूब्स ऑलरेडी रेडी है, लेकिन प्लान कैंसिल करना पड़ा। ये बहुत ही खतरनाक ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं गया था ना सुबह, तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया फिर, क्योंकि अगर दीदी बीमार हो जाती तो मेरी वाट लग जाती थी। इसे मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कैंसिल करते हैं प्लान को, इसलिए मैं आपको सरप्राइज नहीं दे पाया, वरना मस्त शॉकिंग वाला सरप्राइज देता आपको। सुबह सुबह उठते ही आप ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते। तुझे पता है मैं समर में ही ठंडे पानी से नहीं करती, तो अभी कब कर। इसलिए तो मैंने नहीं भिगाया, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ के देखा तो बहुत ही खतरनाक सी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं भिगाया, फिर कैंसिल रखा आज का प्लान। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। लेकिन आज होली खेलने का मौका दिखाई नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई अपना फोन जो है नॉर्मल फोन है यार, वाटरप्रूफ ही नहीं है, गलती से इसके ऊपर अगर होली का पानी गिर गया तो फोन खत्म हो जाएगा, फिर कल से फोन से शूटिंग लेंगे, इसलिए होली का खेल तो दिखाई नहीं सकेंगे आपको। लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा, जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी सब लोग रेडी हो गए हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं। फाइनली 3 ईयर्स के बाद में भाई होली खेली नहीं एंड पूरे पिंक पिंक कलर हो चुके हैं, पूरे कपड़े भी खराब हो गए एंड हाथ तो देखा यार, सबसे ज़्यादा था हाथ में ये, क्यों हाथ में लेके पूरा पिंक पिंक किया था मैंने। जो भी निशा दीदी के ससुर जी एंड जो भी उनके मम्मी जी है, सब लोगों को भाई होली में नचा दिया। चलो कोई नहीं, एंड अभी फटाफट से पहले फ्रेशअप होता हूँ, क्योंकि अंदर पूरा खुजली चल रहा है यार, क्यों ये कलर थोड़ा केमिकल ही होता है ना, तो पहले तो सब कुछ साफ करते हैं एंड फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। सो अभी फ्रेशअप वगैरह हो गए हैं एंड भाई अभी चेहरा हाथ वगैरह बहुत ही जल रहा है, सबसे ज़्यादा तो चेहरा जल रहा है कहीं यहाँ पे एंड भाई यहाँ पे तो बहुत ही चेहरा जल रहा है, क्योंकि भाई पूरा कलर हो गया था एंड गस्से गस्से तो चेहरा बहुत जलने लगा। तो दीदी ने कुछ पता नहीं ये क्रीम दिया, तो क्रीम लगा ली तो अभी थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। चलो कोई नहीं, एंड अभी हम शाम को कहीं पर जाने वाले हैं, जो कि सरप्राइज़ वगैरह तो कुछ है नहीं, जस्ट हम जाएंगे घेर देखने। घेर किसको कहते हैं ये तो मैंने आपको पिछले कुछ 2 दिन पहले के ब्लॉग में बताया था, क्योंकि हिंदी क्या भाई, मारवाड़ी कल्चरल डांस जो भी रहता है वह डिनोट करते हैं, यानी क्योंकि होली के दिन एंड होली से पहले जो भी डांस करते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, जस्ट वही डांस देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गौशाला जाएंगे। सो अभी तो जस्ट 3:30 बजे, तो 4 बजे निकले का प्लान है, तो मम्मी जी मैं एंड दीदी तो रेडी हो गए एंड पापा जी बस अभी तक ना ही रहे हैं। एक्चुअली पापा जी बिल्डिंग के ऊपर गए थे, काम वगैरह जो भी चल रहा है देखिए, तो आज भी काम चल रहा है, पता नहीं आज कैसे काम कर रहे हैं यार, आज तो होली था खेलने के लिए, लेकिन फिर भी आज भी काम कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, पापा जी जैसे तैयार होते हैं फिर चलते हैं मस्त गौशाला। एंड हमारे साथ कौन कौन आ रहे हैं मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ भाई, और कौन कौन आ रहे हैं, तो पहले तो पापा जी को रेडी होने देते हैं एंड फिर निकलेंगे। भाई पूरी गली में कलर कलर हो गया, ये सारे दीदी के कपड़े सब कुछ कलर यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो यार बहुत ही कलर, एंड मैं आपको दिखाता हूँ भाई, डॉगी को नहीं खिलाए, यहाँ पे कलर का पानी अभी भी पड़ा है जो कि इसके अंदर है यार, देखो यहाँ पे कलर का पानी अभी भी पड़ा है, यानी बगी भाई कलर यहीं पे मिक्सिंग हुआ था, यानी बलून तो यूज़ भी नहीं हुआ यार, इसमें जो मस्त बलून पैकेट लेके आएंगे, लेकिन इसको अंदर जो पानी बोलते भरने के लिए पिचकारी चाहिए रहती है, ये पिचकारी लेके आया लेकिन काम ही नहीं कर रहा पिचकारी, इसलिए बलून पड़े के पड़े रह गए। हम भी खेले एंड हमारे साथ पूरे पड़ोसियों के भी खिलाए भाई, सभी को खिलाते गए, हाँ भाई दीदी बैठी है उनको भी खिलाए, बस मज़ा आया होली खेलने में, लेकिन आपको दिखाई नहीं पाया यार, तो क्योंकि मेरे पास कुछ गोप्रो या फिर वाटरप्रूफ कैमरा या फिर वाटरप्रूफ फ़ोन है नहीं तो ज़रूर दिखाता। सो नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मेरे पास गोप्रो तक तो आ ही जाएगा, सो नेक्स्ट टाइम मस्त आराम ज़बरदस्त वाली होली मनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम कुछ प्लान सबसे मैंने रेडी करके रखा हूँ, सो उसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। सो फिलहाल अभी चलते हैं
पापा जी को तैयार होने देते हैं एंड फिर निकलेंगे। मजा आया यार इस बार होली खेलने में, अगली बार और ज्यादा मजा करेंगे। अभी पापा जी भी रेडी हो चुके हैं एंड सब लोग बाहर आ चुके हैं एंड हमारे साथ दीदी की दोस्त भी आ रही है जो कि स्वाति दीदी आ रही है। तो एक्टिव लेके पहले आगे जा चुके हैं, तो अभी हम भी चलते हैं पहले दुकान तक क्योंकि कार वहीं पे पड़ी है ना। अभी दुकान तक पहुंच गए एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कार को दुकान तक लेके जाए क्योंकि यहाँ पे फिलहाल हमने मंदिर के पास खड़ी कर दी थी, तो देखते ड्राइव कर पाते या नहीं। कार को तो यहाँ पे लाके खड़ी कर दी एंड पहले कार को साफ कर लेते हैं। भाई कबूतर ने पूरा बुरा हाल कर दी कार को। कार तो क्लीन हो चुकी है एंड अभी निकलते हैं। फिलहाल गौशाला तो पहुंच गए एंड भाई यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक सा शोर मच रहा है। ये ढोल वगैरह सब कुछ बज रहे हैं ना, तो बहुत ही साउंड आ रहा है कि डांस करते हो ढोल तो बजता ही है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे पब्लिक कितनी है, खतरनाक सी पब्लिक है भाई। बहुत सारी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे जो भी घेर देखने के लिए एंड बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे घेर। एंड हमारे साथ जीजू के फैमिली भी आए हुए हैं जो कि जीजू के पापा जी एंड उनके चाचा जी एंड बाबू जी सब लोग खड़े हैं यहाँ पे एंड हम बस डांस को इन्जॉय कर रहे हैं भाई। यार पब्लिक यहाँ पे है ना इतनी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग ले रही है, आपको दिख रहा होगा भाई बहुत सारे लोग वीडियो ले रहे हैं यार। एंड यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी है तो इनके भी दर्शन हो गए हमारे। तो फिलहाल हम सभी डांस को एंजॉय करते हैं भाई। बहुत ही पब्लिक आती है क्योंकि बड़ा गौशाला है ना यहाँ पे, तो बहुत सारी पब्लिक आती है डांस को एंजॉय करना। होली के दिन तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई पब्लिक की क्वान्टिटी, आपको दिख ही रहा होगा यार कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। अभी तो पैर दुखने आ गया, इतनी देर खड़े होकर दुख रहे थे एंड मैं मस्त बैठ चुके हैं, तो मस्त बैठ के एंजॉय करते हैं खेलने में, मज़ा आएगा यार। अभी जितने भी घेर वगैरह देखने थे सब कुछ देख के अभी घर पे आ चुके हैं। एक्चुअली वहीं पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं आपको कुछ दिखाई नहीं पाया, जितनी भी रिकॉर्डिंग की बस वो करते करते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया एंड घर पे आके फटाफट से फ़ोन को चार्जिंग में डाला, तो अभी थोड़ी बहुत बात कर पा रहा हूँ आपसे। एंड अभी बस सोने का ही प्लान है क्योंकि एडिटिंग और सब कुछ जो भी कंप्लीट करना है कभी भी मस्त जल्दी उठ के कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अभी रात के 10:30 बजने को आ गया, 10:20 बज चुके हैं एंड बस अभी ब्लॉग एंड करके सो जाते हैं। भैया भी आ चुके हैं, भैया एक्चुअली मेरी वीडियो इसके आ गए थे एंड अभी वापस भी आ चुके हैं, तो फिलहाल भैया बाहर बैठे हैं क्योंकि मैं वहाँ पे ब्लॉग शूटिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए भैया बाहर बैठे हैं। जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर जाऊँगा एंड फिर भैया आगे भी सो जाएंगे। एंड बाकी और क्या ही बोले यार, आज तो बहुत ही थक चुके हैं क्योंकि होली खेलते खेलते बहुत ही थक गए यार, आज तो बहुत ही थकान थकान सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप एंजॉयड, इफ यू एंजॉय प्लीज हिट ए लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिल जाएगा जिस शो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड भाई इस बार की होली सबसे यादगार वाली होली में गई है क्योंकि 3 साल से भाई होली खेली नहीं थी एंड बहुत टाइम के बाद होली खेला, तो भाई मुझे ही आ गया इस बार तो। एंड आपको थोड़ी बहुत मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि भाई मैंने आपको दिखाया नहीं यार हमने कैसे इन्जॉय की अपनी होली, लेकिन कोई नहीं अगले साल में बताऊँगा क्योंकि अगले साल तक है विश्वास के भाई आ जाएगा अपने पास भी GoPro, तो देखते हैं अगले साल क्या होता है।